हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग होने के बाद मेरा दुख रहा है एक तरफ का गला बहुत ज़्यादा, और मुझे काम वाम निपटाने के बाद मुझे जाना है जैनुल का शूज़ लेने के लिए, क्योंकि अब शादी आ रही है नज़दीक, तो मुझे शूज़ लेने के लिए जाना है जैनुल का चिल्ली कवर। तो देखो कहाँ से मिलता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है बाहर का, वो तो हम सब से अभी शेयर करेंगे। फिलहाल हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। देखिए गाइस, मैं आई हूँ बाजार में बच्चों के शूज़ वगैरह लेने के लिए। माशाल्लाह लगा हुआ है बाजार, बहुत अच्छा। ये हमारा जहू आगे बैठा हुआ है अपने पापा के पास बाइक पे, बच्चों को हम छोड़ कर आए थे। शूज़ देखो कहाँ पर अच्छे मिलते हैं, वहीं से हम देख के ले लेंगे। फिलहाल तो अभी हम अपना कॉस्मेटिक वगैरह का सामान ले लिया है मैंने, देखो। देखो मैंने अपना कॉस्मेटिक वगैरह का सामान सब ले लिया और बाकी तो सब तैयारी है, मैं रेडी हूँ। बस जैनुल का शूज़ देख रही हूँ, वो कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर हम जाएंगे सलमपुर की मार्केट, वहाँ से लेंगे। फिलहाल के लिए देख रहे हैं, देख रहे हैं जैनुल के शूज़ की सिलेक्शन कर रहे हैं हम। दोनों में समझ में आ रहा है, पता नहीं कौन सा लेते हैं, बताए। देखो इस जऊ को चाहिए शूज़ हमारे, ये देखो। शाम का टाइम हो गया है और जैनुल हमारा गया है दावत में, हैं? जैनुल हमारा गया है दावत में क्योंकि वो हमारी तो दावत थी नहीं। ओए होए होए, देखो बच गया, मैं भी गिरता नीचे यार, वो पता नहीं कुछ एकदम निकल गया, इसका नीचे कुछ गिरा है, वो बच गया मैं भी गिरता। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या हुआ है। तो जैनुल गया है दावत में, उनकी बड़ी अम्मी की दावत थी कहीं पे, तो वो उबैद के साथ गया है। तुझे क्या हुआ बेटा? वो देखो कैसे मुस्कुरा रही है, और आपकी की हो रही है तबीयत खराब, बुखार और गले आ रहे हैं, इसलिए मैं खाना लेके आया हूँ बाजार से। ये हमारी नहारी और रोटी, और नहारी वैसे इसको ज्यादा पसंद है, अच्छी लगती है नहारी, बढ़िया। इसमें बहुत मिर्च होती है, कोई बात नहीं, तुम बिना मिर्चे का खा लो बेटा, मिर्चे मैं खा लूंगा, हरी मिर्च लाया ना वो डाल के मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैनुल गया हमारा दावत में, तो वो आएगा तो हम उससे पूछेंगे उनने वहाँ पे क्या करा और क्या क्या खाया। तबीयत खराब के चक्कर में उसको भी नहीं दिखा पाए ब्लॉग में। हाँ, तबीयत खराब के चक्कर में तैयार उसको मैंने करा, ये लेटी हुई थी, अब उसको देर हो रही थी तो इसलिए वो चला गया, आगे उससे बात कराएंगे क्या करता है वो। तो फ्रेंड्स, हम शॉपिंग कराई है अपनी मैडम को, शॉपिंग हो गई इनकी, और शॉपिंग क्या बस कुछ जरूरी चीजें लेनी थी इनको, है बालों वालों के लिए, थोड़ा सा इनका लिपस्टिक पाउडर के लिए जो औरतों का होता है। मौसम खराब है तो इस वजह से खांसी भी हो रही है, गला नतला हो रही है, सबको हो रही है, इनकी भी तबीयत खराब हो रही है। देखो देर पड़ी है, वो लेट गई, गले आ रहे हैं, जुकाम हो रही है गले, यहाँ से टॉन्सर अभी दवाई दिला के लिए तब आया हूँ रास्ते में से इनको, है मैं। और मुझे भी खांसी हो रही है, हाँ खांसी का सिरप कहाँ है, वो तो मैंने पिया ही नहीं, वो कहीं कोरोना पुरोना तो नहीं है, करोना तो मोदी जी कह रहा है खत्म हो गया, खत्म हो गया, राशन मुफ्त हो गया। राशन बटना खत्म हो गया तो करोना भाग गया। हाँ <पीछ आ गया। laughs> तो जैनुल हमारा गया था आज दावत में अपनी बड़ी अम्मी के साथ, लेकिन उसकी क्लिप हम आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि अभी वो आके सो गया, वो भी थका हुआ था, और क्लिप है दूसरे फोन में। वो तो फ्रेंड्स, क्लिप हम दिखाएंगे आपको कल, मिलते हैं आपको कल कोई नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, और क्या है, टेक केयर, दुआओं में याद रखना। मैं बहुत वैसा लग रहा हूँ ना, बड़ा पुराना सा लग रही हूँ मैं जरा, कोई बात नहीं, अभी पॉलिश करा के आऊँगा, नया हो जाऊँगा, है नहीं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय।